हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज नै नेक्स्ट एक्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमें कवर अप करना है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन में दैट इज़ योर पेमेंट ऑफ वेजज़ एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी सिक्स दो पार्ट्स में इस एक्ट को कवर अप करूँगा और ये आपका पहला पार्ट होगा ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर फिर नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड पार्ट कवर करेंगे पेपर से पहले पहले दैट इज सेकेंड ऑफ जुलाई से पहले पहले जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो हमें इसी तरीके से फटाफट कवर करने हैं और बस मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इसमें इसमें सिर्फ आपने वीडियोस को सुन लेना है बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं बन रहे हैं पंद्रह के वीडियो हैं पूरे दिन में आप अगर एक घंटा डेढ़ घंटा जो वीडियो डल रहे हैं वो देख लोगे तो आप पेपर में आपको उसका रिजल्ट दिखेगा अल्टीमेटली ठीक है सो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट नाइनटीन हम कवर अप करेंगे यहाँ पर ठीक है जैसे आपके बाकी एक्ट्स हैं वैसे ही ये एक्ट भी होल ऑफ इंडिया के अंदर एक्सटेंड होता है दूसरा पर्टिकुलर प्रोविजन ये मैंने आपको जब हमने रिपोर्ट देखी थी एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये कुछ पॉइंट्स आए थे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तो ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है वेरियस फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के ऊपर अप्लाई होता है बट ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा जिनका जो वेज है दैट डज नॉट एक्सीड ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज पर मंथ से ऊपर नहीं आता तो चौबीस हजार से नीचे की जिनकी सैलरी है तो इस एक्ट के प्रोविजन उन पर्टिकुलर इम्प्लॉयज के ऊपर जो है लगेंगे या फिर अ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम इसको अ, डिसाइड कर सकती है बेसिकली होता क्या है अ, ये जो रिविजन होती है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट हर पांच साल में देखती है और ये बेसिस किस बेस पर रिविजन की जाती है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे को कौन पब्लिश करता है ये पब्लिश करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और इस कंप्यू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बेसिस के ऊपर ही हर पांच साल में ये पर्टिकुलर रिविजन जो है की जाती है ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर जो एप्लीकेबिलिटी का रिवीजन है ये किस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बेसिस पे होता है ठीक है नीचे चार रिपोर्ट दे देगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आपको पता होना चाहिए ये 2024 अगर आप देखोगे तो ये रिसेंटली 2017 के अंदर ही अमेंडमेंट की गई थी पहले अट्ठारह हजार होता था और इसको चेंज करके चौबीस कर दिया गया चलिए आगे देखते हैं आगे वेजेस की डेफिनेशन देखते हैं वेजेस की डेफिनेशन यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी तो वेजेस के लिए ये एक्ट कहता है ऑल रेमुनरेशन सैलरी अलाउंसेस सबको सब कुछ आ जाएगा उसमें जो आप बेसिकली टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो अब वेजेस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है रेम्यूनोरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट ठीक है किसी भी अवार्ड या सेटलमेंट के अंदर भी जो पैसा आ रहा है इंप्लॉई के पास फॉर एग्जाम्पल कोई पैसा रुका हुआ था इंप्लॉयर ने और उसके लिए इम्प्लॉय किसी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल कोर्ट के पास कोर्ट के पास गया और वहां से जो फिर कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई इंप्लॉय को इतना कंपनसेशन दो या रेमुनरेशन दो तो जो उसको वो मिल रहा है वो भी इसकी वेजेस के अंदर ऐड होगा जनरली कोड ऑन वेजेस के अंदर आप देखते हो कि इस तरीके का अवार्ड और सेटलमेंट का जो पार्ट है वो वेजेस में ऐड नहीं होता है ओवर टाइम वर्क और हॉलीडेज और एनी लीव पीरियड ये भी वेजेस के अंदर ऐड हो रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट की डेफिनेशन के लिए ओवर टाइम वर्क हमने देखा इतने सारे हमने एक्ट्स देखे किसी की भी डेफिनेशन में वेजेस में ओवर टाइम वर्क ऐड नहीं होता तो अगर उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ लिया ना कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नाइनटीन से नाइनटीन uh, थर्टी के हिसाब से क्या क्या पेमेंट वेजेस uh, के अंदर ऐड होता है तो ओवर टाइम वर्क या फिर जो लीव पीरियड है वो भी इसके अंदर ऐड होता है ओके एडिशनल रेम्यूनोरेशन जो बेसिकली uh, इम्प्लॉय को पे किया जा रहा है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो उसकी जो टर्म्स है एम्प्लॉयमेंट की उसके अंदर स्पेसिफिकली मैंशनड है उस एडिशनल रेवेन्यू के बारे में ठीक है अब ये बोनस के नाम से इसको बुलाया जाए या किसी भी नेम से कमीशन वगैरह कुछ भी बोला जा सकता है ठीक है जी उसके बाद अगर उसकी टर्मिनेशन है टर्मिनेशन के टाइम पर उसको कोई कंपनसेशन जो है वो पे uh, किया जा रहा है किसी भी लॉ के अंडर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओके विद और विदाउट डिडक्शंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अमाउंट एंड दिस विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन टू द वेजेस बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टाइम अब जैसे uh, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम में ये पेमेंट अल्टीमेटली करनी है ओके okay, अगर टाइम लिमिट होती है फिर तो वो ग्रेचुटी uh, की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है तो वो ग्रेचुटी वाला पॉइंट जो है वो तो फिर आपका उसी में कवर होगा वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है ओके दीज आर ऑल अदर काइंड ऑफ टर्मिनेशन कंपनसेशन जिसके अंदर किसी तरह की डेट प्रोवाइडेड नहीं है और इंप्लॉयर और इंप्लॉय के एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूडेड है उसके बाद जी एनी सम टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल्ड किसी स्कीम फ्रेम्ड के अंडर अंडर एनी लॉ ओके तो ये सारे हैं जो इंक्लूडेड है ये इंक्लूडेड है तो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर याद रखना है नॉट इंक्लूडेड में क्या है अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि सर आपने इंक्लूडेड में भी कह दिया बोनस और नॉट इंक्लूडेड में भी आपने कह दिया एनी बोनस वो बोनस था वो डिफरेंट काइंड ऑफ बोनस है फॉर एग्जाम्पल आप बोनस देते हो सेल के ऊपर ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने इंप्लॉय को बोला कि भाई जितनी तू सेल करेगा जितना तू महीने में सेल करेगा उसके ऊपर हम तेरे को बोनस देंगे तभी मैंने कहा ना बोनस बोल लो कमीशन बोल लो यहाँ पर हम जिस बोनस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग है ठीक है जो हमने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में देखा था ना कि साल में एलोकेबल सरप्लस में जो पैसा बचेगा उसको एज अ बोनस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओके तो ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा इम्प्लॉय के

का भी पर पैसा जो है वो आपकी वेजेस में इंक्लूडेड नहीं होता चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्लियरली बोलता है कि जो वेज पीरियड है वो एक महीने से उप... ऊपर का नहीं होना चाहिए। हमने देखा था ना कि अलग अलग वेज पीरियड हो सकते हैं एक हफ्ते का एक दिन का फोर्टीन डेज का वन मंथ का तो एक्ट कहता है कि एक महीने से ऊपर ऐसा नहीं आप बोलो इंप्लॉय को कि तेरा वेज पीरियड छह महीने का है तो तेरे को हर छह महीने में सैलरी मिला करेगी एक महीने का मैक्सिमम वेज पीरियड होना चाहिए उसके बाद टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और जब आप लोग प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली नौकरी जो लोग करने जाते हैं ना उनको इस प्रोविजन के बारे में पता नहीं होता और इम्प्लॉयर जो है बड़ा बुरा बेसिकली इम्प्लॉयज के साथ करता है ये प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप मंथली आपका वेज पीरियड है आपको महीने की सैलरी मिलती है ठीक है महीने की सैलरी मिलती है फॉर एग्जाम्पल अब महीना चल रहा है आपका जून वन टू थर्टी जून जो है आपका महीना चल रहा है ओके okay, अब इस जून की जो आपको सैलरी मिल जानी चाहिए ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर आ, लेस देन वन थाउजेंड पर्सन एम्प्लॉयड है ऐसी बंदे को मिल जानी चाहिए तो एक से तीस जून का आपका महीना तो इसके नेक्स्ट सेवन डेज के अंदर अंदर सेवंथ डे के एंड से पहले पहले यानी कि सात जुलाई के एंड से पहले पहले आपको सैलरी मिल जानी चाहिए ठीक है बाकी की स्टैब्लिशमेंट बेसिकली जहां पर थाउजेंड या थाउजेंड से ज्यादा इंप्लॉयज हैं वहाँ पर ये होता है टेंथ डे ठीक है लेकिन आप देखोगे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एडटेक इंडस्ट्री के अंदर तो स्पेसिफिकली मैं आपको बात बताऊं क्योंकि मैंने वेरियस एडटेक इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया है बड़ी बड़ी जो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन की प्लेटफॉर्म्स हैं बीस बीस तारीख तक वो पैसे नहीं देते हैं अपने टीचर्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को ओके आ, उन्होंने उल्टा अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी लिखा होता है कि हम भैया सैलरी डिले कर सकते हैं बट बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनका अवॉइड हो जाता है अगर आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओ और आपको वहां पर इंप्लॉय बोले नहीं जी महीने की बीस तारीख तक या पंद्रह तारीख तक सैलरी मिलेगी तो वो इलीगल काम कर रहा है ओके okay, नाउ अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है अभी मंथ एंड नहीं हुआ या मंथ एंड हो भी गया कोई भी केस हो और उसकी इंप्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया है इंप्लॉयर ने उसकी इंप्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया है तो उस केस में जो इंप्लॉय टर्मिनेट होता है ना उसकी सैलरी जो जो भी उसका बनेगा हिसाब किताब वो आपको सेकंड वर्किंग डे जब उसको टर्मिनेट किया गया है उसके सेकंड वर्किंग डे की एक्सपायरी से पहले पहले उसको वो पैसा देना है ये भी एक ऐसा क्लॉज है जो इंडिया में फॉलो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज नहीं करती फॉर एग्जांपल अगर आपने आज निकाला ना किसी बंदे को ठीक है जी तो उसके बाद एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डे मतलब आज निकाला आज फॉर एग्जाम्पल आपकी सत्ताईस जून तो अट्ठाइस जून और 29 जून 29 जून खत्म होने से पहले पहले उसको आपको पैसा देना ठीक है, है अगर आपने टर्मिनेशन किया है जो भी पैसा जाएगा वो करंट करेंसी नोट के अंदर देना है अब फॉर एग्जांपल आप काम पे लगो ऑर्गेनाइजेशन में और वो आपको पुराने 500 सौ या हजार के नोट देने लगे ठीक है तो आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे और वो भी इलीगल काम कर रहा है जो भी वेजेस देने हैं वो करंट जो सर्कुलेशन के अंदर है वो होना चाहिए या चेक से या डायरेक्टली बैंक अकाउंट से क्रेडिट करना है और कुछ आ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगेन्स स्टेट के केस में स्टेट और सेंटर के केस में सेंटर वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इस्टबलिशमेंट के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको सिर्फ बैंक में ही पैसा देना है इन आ, वो भी आ, जो सरकार है लिमिटेशन लगा सकती है फिर आ जाता है डिडक्शन यानी कि सैलरी में से पैसे काटना तो क्या इम्प्लॉय की सैलरी uh, में से पैसा काटा जा सकता है ठीक है तो पैसा वैसे नहीं काटा जा सकता ठीक है जी और अगर पैसा काटना भी है तो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लिए काट सकते हो जो बाय लॉ ऑथराइज्ड हैं जो इस एक्ट के अंदर ऑथोराइज हैं ओके जो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ऑथोराइज हैं अब यहाँ पर ये यह जो तीन पॉइंट्स लिखे हैं ना ये क्या है बेसिकली दिस इज इट शॉल नॉट बी डीम्ड टू बी डिडक्शन या शॉल नॉट बी डीम्ड टू बी अ डिडक्शन यानी कि इसको डिडक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा कोई क्लेम करेगी ये भी देखो मेरी डिडक्शन है अगर किसी का इंक्रीमेंट लगना था कंपनी ने उसका इंक्रीमेंट रोक दिया या उसका प्रमोशन रोक दिया ठीक है बिकॉज ऑफ एनी रीजन कि भाई एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट नहीं है या कंपनी ठीक परफॉर्म नहीं कर रही है ओके द रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल और एट अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल बेसिकली डिमोशन हो गया डिमोशन अगेन परफॉर्मेंस बेस है या सस्पेंड कर दिया गया है तो उस केस में फिर उसको डिडक्शन फ्रॉम वेजेज नहीं कंसिडर किया जाएगा कि आप पहुंच जाओ कि देखो देखो, देखो मेरी सैलरी डिडक्ट कर दी

डैमेज ऑफ गुड्स हुआ है बेसिकली कोई गुड्स का डैमेज हुआ है या किसी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है या जो पैसा एक पर्टिकुलर इम्प्लॉय की कस्टडी में था उसमें कुछ डैमेज हुआ है और ये जो डैमेज का रीजन है वो उसके निग्लेक्ट की वजह से है ओके okay? तो वो आप डिडक्ट कर सकते हो अगर जो इम्प्लॉयर है वो घर प्रोवाइड कर रहा है तो घर का कुछ खर्चा जो है वो इम्प्लॉयर सैलरी में से डिडक्ट करता है ठीक है तो वो डिडक्शन जो है या बिजली वो सप्लाई कर रहा है या पानी की फैसिलिटी दे रहा है उसके लिए कुछ डिडक्शन वो कर सकता है ठीक है सो डिडक्शन फॉर सच अम्यूनिटीज एंड सर्विसेज जो टाइम टू टाइम सरकार भी बताती है कि हाँ जी ये सर्विसेज जो हैं या ये पर्टिकुलर अम्यूनिटीज जो हैं वो इम्प्लॉयर को इम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी है तो उन सर्विसेज के लिए डिडक्शन जो हैं वो अलाउड होती हैं अगर कोई एडवांस दिया हुआ है इंप्लॉयी को और उस एडवांस की बेसिकली जो भी आपकी ईएमआई बनी है वो ईएमआई डिडक्ट कर सकता है और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है कोई लोन दिया हुआ है जो बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना लेबर वेलफेयर के लिए फ़ंड बनाए होते हैं तो जब भी लेबर को लोन चाहिए होता है उस फंड में से वो पैसा दिया जा सकता है तो उस लोन की रिकवरी के लिए और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है हाउस बिल्डिंग के लिए कोई लोन दिया हुआ है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी को डिडक्ट किया जा सकता है इनकम टैक्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसके लिए उसके बाद कोर्ट ने कोई डिडक्शन ऑर्डर किया है ओके okay, उसके बाद जी प्रोविडेंट फंड में जो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए डिडक्शन किया जा सकता है जी ओके okay, जी उसके बाद जी कुछ ऐसे डिडक्शंस होते हैं जो आप सिर्फ कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग द ऑथोराइजेशन ठीक है जैसे अब आपका आ, बेसिकली आप ये देखो कि जो इंप्लॉयड पर्सन है या तो उसका ऑथोराइजेशन चाहिए फॉर सर्टन एरियाज या फिर जो ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी है जिसका एम्प्लॉय है उसका uh, जो है रिटर्न ऑथराइजेशन चाहिए स्पेशली जब हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड में जो डायरेक्ट डिडक्शन हो रही है ओके okay, उसके अलावा नेशनल डिफेंस फंड या डिफेंस सेविंग स्कीम जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रूव्ड होती है उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें भी आपको डिडक्शन करने से पहले अप्रूवल चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पेमेंट के लिए अगर कोई डिडक्शन हो रहा है जो अगेन गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए या कोई स्कीम ऑफ इंश्योरेंस है इंडियन पोस्ट ऑफिस की उसके अंदर कोई डिडक्शन हो रहा है राइट right, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कोई डिडक्शन हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ और उसके लिए भी आपको पहले इम्प्लॉइड uh, पर्सन का रिटर्न ऑथोराइजेशन चाहिए या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में कोई पैसा जा रहा है उसके बाद जी uh, कोई और फंड जो किसी इम्प्लॉयर ने या ट्रेड यूनियन ने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ने कॉन्स्टिट्यूट किया है इम्प्लॉयिज़ के वेलफेयर के लिए तो उस वेलफेयर फंड के अंदर पैसा अगर कुछ जा रहा है हर महीने तो उसके लिए भी रिटर्न ऑथोराइजेशन पहले इंप्लॉयज़ का चाहिए बात ये नहीं है कि रिटर्न ऑथोराइजेशन है क्या बात आपने मेनली याद रखनी है कि डिडक्शन किस टाइप के अलाउड है उसके बाद जी ट्रेड यूनियंस की फीस होती है तो कई बार जिस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन का एक एम्प्लॉय मेंबर है तो एक तो होता है कि इम्प्लॉई हर महीने खुद से ट्रेड यूनियन को अपनी सब्सक्रिप्शन दे एक क्या होता है ना ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर को बोल देती है कि भाई आप ही जो जो हमारे मेंबर हैं उनकी सैलरी में से हमारी ये फीस डिडक्ट करके ही उनकी सैलरी देना और ये फीस हम डायरेक्टली आपसे ले लेंगे ठीक है तो वो भी डिडक्शन अलाउड होती है उसके बाद फिटिलिटी गारंटीड बॉन्ड्स में अगर कोई पैसा दिया जा रहा है उसकी डिडक्शन हो गई ऑल राइट स्पेसिफिकली रेलवे के केस में अब रेलवे के अंदर अगर किसी इम्प्लॉय ने जैसे टिकट काटने वाले लोग हैं ठीक है अब किसी ने जो म्यूटिलेटेड या नकली करेंसी नोट्स ले लिए तो वो जो लॉस है बिकॉज वो क्या कहा जाता है कि उसके निग्लेक्ट की वजह से हुआ है तो जो वो लॉस होगा वो डिडक्ट किया जाएगा उसकी सैलरी में से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लॉस हुआ क्योंकि जो अपॉइंटेड पर्सन था उसने प्रॉपर बिल नहीं कलेक्ट किया ठीक है या फ्री में किसी को टिकट दे दी तो वो पैसा उससे रिकवर किया जाएगा उसके बाद जी रोंगली किसी को रिफंड दे दिया ठीक है वो पैसा भी रेलवे इंप्लॉय से जो ऑथोराइज पर्सन है उससे डिडक्ट किया जाएगा उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या कोई और फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सेट करे इंश्योरेंस स्कीम जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम की है ठीक है तो ये सारी डिडक्शंस अलाउड हैं अब आप कहोगे सर डिडक्शंस की इतनी लंबी लिस्ट होगी तो इम्प्लॉय के पास बचेगा क्या एक लिमिट सेट की हुई है कि इससे ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते तो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना हो सकता है अगर तो पेमेंट कंप्लीटली या पार्टली कॉपरेटिव है, यानी कि डिडक्शन कॉपरेटिव सोसाइटी वाले क्लॉज से रिलेटेड है तो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वेजेस तक आप डिडक्शन कर सकते हो ठीक है कंप्लीटली या पार्टली जो डिडक्शन है जितनी डिडक्शन हो रही है वो कंप्लीट डिडक्शन कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए है या हाफ डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, तो सेवेंटी फाइव परसेंट तक की डिडक्शन हो सकती है बाकी के केस में फिफ्टी परसेंट की जो है डिडक्शन मैक्सिमम हो सकती है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइन के ऊपर तो फाइन कोई भी फाइन ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी फाइन लगा दिया फाइन लगाने के लिए प्रॉपर आपको पहले सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का अप्रूवल होता है वो डॉक्यूमेंट का अप्रूवल होता है कि हाँ जी इन इन चीज़ों का फाइन लगेगा और फाइन से रिलेटेड चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप फाइन लगा रहे हो पहले तो आपको इंप्लॉय को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपनी बात रख सके कि जो उस पर फाइन लगाया जा रहा है वो सही है या नहीं है वंस प्रूवड तो एक वेज पीरियड के अंदर फॉर एग्जाम्पल मंथ वन मंथ का वेज पीरियड है तो एक वेज पीरियड के अंदर आप जो टोटल वेजेज है उसका थ्री परसेंट से ऊपर फाइन नहीं लगा सकते यानी कि अगर किसी की सौ रुपए की वेज है ना तो एक महीने में आप उसके ऊपर सिर्फ तीन रुपए तक का ही फाइन लगा सकते हो ठीक है और दूसरी बात अगर कोई 15 से नीचे वाला 15 इयर्स की एज से नीचे वाला आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन पे कोई फाइन नहीं लगाया जा सकता ओके नो फाइन कैन बी इंपोज ऑन अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ फिफ्टीन तो ये फिफ्टीन आपने ध्यान में रखना है, right. is, uh, जो है आप फाइन जो है इंस्टॉलमेंट uh, में नहीं रिकवर कर सकते फॉर एग्जाम्पल अब आपको कि यार तीन ही परसेंट लेना है किसी का फाइन आपने जो भी इंसिडेंट हुए उसका छः रुपये फाइन बना उसकी सैलरी है सौ लॉ कहता है कि सिर्फ तीन रुपये ही लगा सकते हो आप कहते हो चल बाकी के तीन तरह से अगले महीने लेंगे तो वो आप जो है इंस्टॉलमेंट्स में नहीं ले सकते ठीक है आपको फिर तीन ही लेने पड़ेंगे उस महीने के लिए बाकी तीन आपको छोड़ने पड़ेंगे ओके साथ ही साथ आप फाइन मैक्सिमम नब्बे दिन तक इम्पोज कर सकते हो जब भी जो फाइन वाला इंसिडेंट हुआ है उसके नब्बे दिन तक आप फाइन लगा सकते हो नॉट बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर पीरियड और जो भी फाइन का पैसा कलेक्ट हो रहा है ना वो कोई एम्प्लॉयर की इनकम नहीं है कि वो उसको जेब में डाल ले चलो चलो घर पे जाके बीवी को बोले आज तो बहुत फाइन लगा दिया चलो मूवी देखने चले नहीं वो सारे का सारा जो पैसा है वो एक कॉमन फंड में जाएगा ठीक है और ये फंड बेसिकली स्टाफ के वेलफेयर के लिए ही होता है तो वो पैसा अल्टीमेटली स्टाफ वेलफेयर के लिए ही यूज हो रहा है ठीक है नहीं तो इंप्लॉयर को या मैनेजर को तो फाइन लगाने में भी बड़ा मजा आएगा कि चलो आज ढूंढे किसको फाइन लगेगा ओके ऑल राइट सो दिस वॉज पार्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस एक और लेक्चर देखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस का ऐसे ही छोटा सा तब तक आप ये लेक्चर देख करके निपटाओ तब तक दूसरा लेक्चर जो है अपलोड हो जाएगा ओके चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर